दोस्तों Redmi K20 आप सबको याद होगा कैसा ये फ़ोन था। अब ये फ़ोन मार्केट में उतना चल नहीं पाया, इसका रीज़न था इस फ़ोन का प्राइस। सबको उम्मीद थी कि ये फ़ोन इंडिया में आएगा 20,000 से कम की रेंज में, लेकिन ये फ़ोन आ गया 22,000 में इंडियन मार्केट में, जो कि काफ़ी लोगों को लगा ओवर प्राइस स्मार्टफोन, क्योंकि आपको थोड़े से पैसे और डालकर मिल जाता था एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 855 के साथ। ये रीज़न था इस फ़ोन के ज़्यादा ना चलने का। अब आपको Redmi K30 भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको मिलेगा 20,000 से कम की प्राइस में। ये बात तो आप मान सकते हैं कि सच हो सकती है, क्योंकि इस बार जो Redmi K30 है वो डाउनग्रेड होने वाला है K20 के कंपैरिजन में। कुछ मामलों में अपग्रेड होगा और कुछ मामलों में ये डाउनग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। और Realme XT730G भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये फ़ोन आपको 17 दिसंबर को इंडिया में देखने को मिलेगा, Realme XT730G। जैसे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी Redmi Note 8 Pro और Realme XT को लेकर, सेम वैसे ही होने वाला है Redmi K30 और Realme XT730G को लेकर। इन दोनों में भी ऐसे होगा, कुछ बातें एक की अच्छी रहेंगी और कुछ बातें एक की अच्छी रहेंगी, परफेक्ट फ़ोन दोनों में से कोई भी नहीं होने वाला, ये मैं आपको अभी से बोल सकता हूँ। पहले हम बात करते हैं Redmi K30 के बारे में, क्या इसमें आपको देखने को मिल सकता है। अब Xiaomi मंगाऊंगा फिर से एक बड़ी गलती करने वाला है Redmi K30 के साथ। ये एक गलती Redmi K30 को काफ़ी पीछे कर सकती है। अगर हम बात करते हैं Redmi K30 के डिज़ाइन के बारे में, तो ये इमेज सामने आ चुकी है, ऐसा आपको मिलने वाला है Redmi K30। ग्लास बिल के साथ ये फ़ोन आएगा और इस तरह का आपको बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जैसे आपने OnePlus 7T देखा होगा उस तरह का आपको यहाँ पर पीछे राउंड दिख रहा है। अभी एक्चुअल में कैसा लगता है वो हम देखेंगे फ़ोन हाथ में आने के बाद। और Realme XT730G की अगर हम बात करते हैं, तो ये फ़ोन भी आने वाला है ग्लास बिल के साथ, तो बिल क्वालिटी यहाँ पर दोनों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो बोला जा रहा है जो Redmi K30 का 4G वेरियंट आएगा वहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 730G, और जो 5G वेरियंट होगा उसमें होगा स्नैपड्रैगन 75, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। अब लीक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होने वाला है, और इसकी प्राइसिंग भी Realme XT730G के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है, और ऐसा होना पॉसिबल भी है, क्योंकि इस बार आपको Redmi K30 में AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको मिलेगा IPS LCD पैनल। ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने आ चुके हैं। ये आप बताओ मुझे कमेंट्स में, आप इनमें से किस फोन के साथ जाना पसंद करोगे, अगर ये विदाउट AMOLED आता है तो Realme XT730G या फिर Redmi K30, कमेंट्स में बताना मुझे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त वाले सरप्राइज आने वाले हैं। ये मैं कहूँगा, अगर यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले आपको नहीं मिलता तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहेगा Redmi K30 के लिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले का होना एक बहुत बड़ा चेंज लाता है किसी भी स्मार्टफोन में। आई होप आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। अब अच्छी बात यह है, इस फोन में आपको मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जिससे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा नॉर्मल डिस्प्ले के कंपैरिजन में। लेकिन AMOLED डिस्प्ले का ना होना एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले की कमी 120Hz वाला डिस्प्ले पूरी नहीं कर सकता। AMOLED यहाँ पर नहीं है तो Redmi K30 की तरह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेन दिक्कत है AMOLED को लेकर। Realme XT730G में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है नॉर्मल डिस्प्ले। ये डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट वाला नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के डिस्प्ले में, एक में AMOLED डिस्प्ले है और दूसरे में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। अब आपको देखना होगा आपको इन दोनों में से कौन सा डिस्प्ले लेना है। आप बताओ मुझे ऊपर पोल में, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, क्या आपके लिए AMOLED का ना होना डील ब्रेकर है, बताना मुझे कमेंट्स में। दूसरी गलती है Xiaomi की, Redmi K30 में आपको इस तरह का फुल व्यू डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, जैसे कि आपको मिलता था Redmi K20 में। यहाँ मैं कहूँगा एक डाउनग्रेड है, ना तो आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है और ना ही आपको AMOLED मिल रहा है। अच्छी बात यह है आपको यहाँ पर मिलता है फ्रंट पे ड्यूल कैमरा सेटअप और प्राइमरी कैमरा है 20MP का, लेकिन डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपका बिगड़ चुका है इसके कैमरा की वजह से। काफ़ी बड़ा आपको ऊपर यहाँ पर कैमरा मिल रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे Redmi K20 के साथ तो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में। वीडियोस देखने का या फिर गेमिंग करने का एक्सपीरियंस जो आपको Redmi K20 में होता था वो आपको यहाँ पर नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा यूज़ करने का मज़ा आने वाला है। Redmi K20 का फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं था, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हमें अच्छा फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी हम देखेंगे क्या होता है आने वाले टाइम में। Realme XT730G की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्रंट में 32MP का कैमरा वाटर ड्रॉप नोच के साथ।
अभी हम टेस्ट करके देखेंगे किसका कैमरा बाजी मार के जाता है। लेकिन रियर कैमरा मुझे लगता है बाजी मार के जाएगा रेडमी के 30 का, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है रियर में क्वाड कैमरा सेटअप और प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। मजे की बात यह है यहाँ पर आपको सेंसर मिलता है सोनी IMX686 जो कि न्यू सेंसर है सोनी की तरफ से। अब आपको रियलमी XT730G में भी रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, पर वहां पर प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW1 सेंसर। इन दोनों में मैं आपको बता सकता हूँ जमीन आसमान का फर्क है सेंसर के मामले में। सोनी IMX686 मेरे अकॉर्डिंग जबरदस्त होने वाला है, बाकी तो हम टेस्ट करके देखेंगे कौन कितना पानी में है। मैं जैसे रियलमी XT यूज कर चुका हूँ, सेम सेंसर आपको मिलता है रियलमी XT730G में। कलर्स यहाँ पर आपको नेचुरल देखने को नहीं मिलने वाले, बहुत ही बूस्टेड से कलर्स आपको देखने को मिलते हैं रियलमी XT में, सेम आपको मिलते हैं रियलमी XT730G में। तो रियर कैमरा बाजी मारेगा मुझे लगता है रेडमी K30 का। अगर हम बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको यहाँ पर मिल सकती है 4500 mAh के आसपास की और साथ में 30 W की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ बैटरी को लेकर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, अच्छी बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको रियलमी XT730G में भी काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिलती है, 4000 mAh की यहाँ पर बैटरी है और यहाँ भी आपको मिलता है 30 W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। और इस बार आपको लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें SD कार्ड स्लॉट भी मिल सकता है जो कि आपको रेडमी के 20 में नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा आपको फोन ये जबरदस्त लग रहा है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। कैमरा इसका टॉप क्लास का रहेगा। अगर ये फोन आता है मार्केट में 17,000 की रेंज में तो ये तहलका मचा सकता है, बट अगर ये फोन आया 20,000 से ऊपर की रेंज में तब बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। अब देखते हैं क्या प्राइसिंग रहती है इस फोन की, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो एमोलेड नहीं मिल रहा और ना ही आपको मिल रहा है फुल व्यू डिस्प्ले और ना ही है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये तीन ऐसी कमियां हैं जिसको हम अपडेट से भी ठीक नहीं कर सकते। अगर आप रेडमी के 30 लेंगे तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ेंगे। तो रियलमी XT730G और रेडमी के 30 इन दोनों में बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है। देखना ही होगा कौन बाजी मार के जाता है, प्राइसिंग में कौन आगे निकल के जाता है या फिर ऑप्टिमाइजेशन कौन बेटर करता है, ये सब हम देखेंगे फोन हाथ में आने के बाद। बाकी हम देखते हैं क्या होते हैं आने वाले टाइम में। हाँ, अगर एमोलेड डिस्प्ले आ गया रेडमी के 30 में फिर तो इसको 20,000 की रेंज में बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है स्नैपड्रैगन 730G, दूसरा यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिल रहा है 120Hz रिफ्रेश रेट वाला। तो अगर एमोलेड आ गया फिर तो मज़ा आ जाएगा, एमोलेड नहीं आया फिर इसकी प्राइस शाओमी को काफ़ी कम रखनी पड़ेगी। आप बताओ मुझे कमेंट्स में आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप किस फोन के साथ जाना पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।